हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट बढ़िया होंगे। स्वागत है एक बार आपको फिर से अपने ही यूट्यूब चैनल CBSE DJ कोचिंग में। आइए जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है देखिए, क्या बोला जी? आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन। Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. पहले हम लोग हिंदी में समझ जाते हैं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई आफ्ताब है, अपनी बेटी से बात कर रहा है, बोल रहा है कि 7 साल पहले वह उसका उम्र कितना था? अपनी बेटी से 7 गुना था, और अब से 3 साल बाद उसका उम्र क्या हो जाएगा? उसकी बेटी से 3 गुना रह जाएगा। चलिए, इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हम लोग को दिखाना है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, कुछ भी दे, आफ्ताब दे, बेटी दे, बैट दे, गेंद दे, एप्पल दे, अंगूर दे, कुछ भी दे। इसमें देखिए, इन्हें इस क्वेश्चन में सब दिया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अपने पास से नहीं बोल रहा। तो कुछ भी दे, उसको एक्स मान लेंगे, दूसरा जो दिया है रहेगा उसको वाई मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है जी? आफ्ताब का उम्र दिया हुआ है। आफ्ताब अपनी बेटी से उम्र बोल रहा है कि बेटी मैं इतना साल हो था, अब इतना साल ही रह जाऊँगा। तो देखिए, जितना भी दिया है तो उसको सबसे पहले क्या मान लिया जी? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स। यानी जो भी दिया रहे, पहले बैट गेंद का संख्या दिया रहा है, पैसा का दाम दिया रहा है कि इसका दाम उतना है, ये है, वो है। तो एप्पल का दाम दिया तो एप्पल का दाम मान लेंगे कि भैया उसका एक्स है, या बैट का दे रहा है कि भैया क्या है, ये इतना बैट है तो उतना बैट को एक्स मान लेंगे। यहाँ पर देखिए, साल दे रहा है उम्र उसका आफ्ताब का, तो आफ्ताब की उम्र को क्या मान लिया हमने? एक्स मान लिया। माना कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब भी एक्स एस, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है? एक्स साल है। चलिए जी, उसके बाद क्या बात हो रही है? उसकी बेटी की बात हो रही है कि उसकी बेटी भी तो है ना, तो उसकी बेटी को तो कुछ मानना पड़ेगा ना। तो क्या मानेंगे जी? एज ऑफ डॉटर भी वाई ईयर्स, पुत्री आयु क्या मान लिया हमने? वाई साल मान लिया। अब देखिए, अब क्वेश्चन के अनुसार जाएंगे हम लोग, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। क्या बोला है? 7 साल पहले वो क्या था? अपनी बेटी से 7 टाइम्स 7 गुना था। टाइम्स मतलब क्या? गुणा। गुणा मतलब क्या? गुणा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या जी? 7 साल पहले उनका उम्र क्या होगा? निश्चित रूप से घटेगा। घटा होगा तो क्या होगा? अरे मान लीजिए, या कोई आज किसी का उम्र क्या है, आज किसी का उम्र मान लेते हैं 8 साल है, ठीक है, कोई इस समय 8 साल है। 7 साल पहले क्या होगा उसका उम्र? 21 साल रहा होगा। तो 7 घटाएंगे ना जी? 7 साल पहले जानने के लिए 7 घटाते हैं ना, 8 में से 7 घटाएंगे ना, बिल्कुल घटाएंगे। तो उसी तरीके से एक्स में से 7 घटाएंगे नहीं, 7 साल पहले की बात हो रही है, तो वाई में से 7 घटाएंगे नहीं, दोनों का उम्र 7 साल कम होगा कि नहीं होगा? जानते ही हैं, 7 साल पहले की बात हो रही है। तो क्या होगा? 7 साल घटाएंगे तो एक्स माइनस 7 और वाई माइनस 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 7 और वाई माइनस। अब देखिए, 7 गुना था, यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 7 गुना। तो 7 गुना को मैंने समझाने के लिए भाई आपको बताया है कि देखिए, पहले देखिए, यह मैंने दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यह है 42 इज इक्वल टू 6, मतलब कोई है नंबर 42, और यह 6 के क्या 7 गुना है ना, ये पहले से 7 गुना है कि नहीं है? तो अब हम दोनों को बराबर करने के लिए किधर गुणा करते हैं? उसके विपरीत गुणा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? विपरीत गुणा करेंगे तभी ना 7 6 42 होगा जी। हाँ, ये पहले से 7 गुना है, तो बहुत सारे बच्चे इधर गुणा कर देते हैं, जो पहले से ही 7 गुना है उसमें 7 से गुणा कर देते, ऐसा गलत हो जाता। यानी इधर नहीं है, उधर गुणा करेंगे तभी तो इसका इक्वल टू के नियम के बराबर होगा जी। इसीलिए क्या हो जा रहा है, जो ये देख रहे हैं आप, एक्स माइनस 7 इक्वल टू वाई माइनस 7 था, तो यह पहले से ही 7 गुना है, वही 7 साल पहले 7 गुना था। उसकी बेटी की उम्र ए वाई जो माने थे हमने, उसमें 7 से क्या किया है? मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या है देखेंगे, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 7 वाई माइनस 49, 7 से 49, 7 गुणे वाई 7 वाई होता है, -49 हो जाएगा। अब देखिए जी, एक्स माइनस, ये जानते हैं प्लस और माइनस को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग दूर दूर नहीं, इसीलिए पास लेते आएंगे, पास आए
देखिए, ये 7y और x-7 में क्या है, पास आ गए हैं, और ये जो कांस्टेंट वाले साहब हैं उनको उधर भेजिएगा कि चलिए आप भी पास में चलिए अपने साथी के पास। -49 है और -7 को जोड़ेंगे तो -49 + 7 क्या हो जाएगा, -42, मतलब 42 कैसे होगा, -49 में 7 जाएगा तो माइनस बड़ा, इसलिए -42 हो जाएगा। चलिए जी, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं x-7y = क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -42 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन बन गया। अब देखिए जी, दूसरा क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 साल बाद वो अपनी बेटी का कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए, 3 साल बाद की बात हो रही है, तो 3 साल की बात जानते हैं कि भाई क्या है, कोई है तो 3 साल बाद उसका उम्र कितना होगा। जैसे मान लीजिए कोई 10 साल का है, ठीक है, तो 3 साल बाद वो कितना हो जाएगा, 13 साल का होगा। कोई आज 5 साल का है तो 3 साल बाद क्या होगा, 8 साल का होगा। जानते हैं, जोड़ते हैं, यानी भविष्य की बात आती है तो अभी होगा तो क्या होगा, भविष्य में प्लस होता है कि नहीं होता है, होता ही होता है। तो देखिए, आफ्टर 3 ईयर्स एज विल बी, यहाँ पर लिख लेंगे 3 साल बाद उम्र होगा, 3 साल बाद उम्र होगा, यह आयु उम्र एक ही चीज़ होता है। देखिए, ये एक्स है, एक्स वर्तमान में हमने यही ना माना था, एक्स माना था ना वर्तमान में, यानी प्रेजेंट में एक्स माना और प्रेजेंट में बेटी को वाई माना, तो x+3 = y+3। लेकिन ये क्या कर रहा है क्वेश्चन में, तीन गुना। देखिए, 3 गुना मैं बताना चाहूँगा। सो मान लीजिए कोई किसी का उम्र है कितना, किसी का उम्र है कि भैया वो क्या है, 15 साल का है या 15 है वो, तो देखिए 15 है तो क्या होगा, यह 3 से क्या है, 5 गुना है 5 गुना, तो 3 सही है, तो इधर इधर गुणा करेंगे हम लोग, सॉरी 3 गुना ना बात हो रहा है जी। तो मान लेते हैं कोई 5 है 3 गुना है 15, इससे तो 3 से गुणा किधर होगा, छोटे वाले में कि बड़े वाले में, छोटे वाले में गुणा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जानते हैं भैया क्या है, उसके बाप का उम्र कितना है, उससे 3 गुना पहले ही है, तो इसीलिए जानबूझ के उसकी बेटी की उम्र में y+3 में क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए जिसको सॉल्व करते हैं, तो आप अगला स्टेप देखते हैं, तो x+3 = क्या होता है, 3 × y 3y, और 3 × 3 = 9 हो जाता है। अब आगे देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं, तो भैया यह x और y को एक पास लिखना चाहिए, तो x-3y यह इधर आता है तो -3y होता है, ये उधर जाता है 9-3 यानी 6 हो जाता है। तो इस तरीके से देखें तो x-3y = 6 क्या हो जा रहा है, सेकेंड इक्वेशन, दूसरा समीकरण हो जा रहा था। यह उधर आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। चलिए, जो इसको कहाँ दिखाते हैं, इसको क्वेश्चन में कह रहा है कि इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली भी दिखाइए। मतलब क्या, हिंदी में देखेंगे तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, बीज गणित और ग्राफ के रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीज गणित और ग्राफ बनाते हैं हम लोग। चलिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा पेज ले लेता हूँ। चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि कैसे 9th क्लास में हमने बनाया था, तो यह पहला इक्वेशन था x-7y = -42, यही ना था जी। चलिए एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यही ना था पहला इक्वेशन, x-7y = -42 था, तो इसको हमने लिख लिया x-7y = -42। हम लोग जानते हैं इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x = -42 + 7y, ताकि लिखने में आसानी हो यार। अब जानते हैं डिब्बा बनाते हैं, x और y का डिब्बा बनाते हैं कि भैया क्या है, y के स्थान पर कुछ ऐसा बताइए क्या रखा जाए कि इसका मान कुछ आ जाए, मतलब कुछ भी रख सकते हैं आप अपने पास से, यानी जरूरी है कि यह जो मैं बता रहा हूँ वही रखेंगे। तो हम लोग लेते हैं भैया, देखिए y की जगह पर अगर 6 रख दें, हम लोग y की जगह पर क्या रख दें, 6 रख दें, जानते हैं y की जगह पर 6 रखेंगे तो यहाँ पे 6 रखना है, तो 6 रखेंगे तो 7×6 = 42, यानी अब इसके जगह पर 42 हो जाएगा। तो जानते हैं +42 और -42 क्या होता है, 0, यानी x का मान क्या हो जाएगा उस समय, 0 हो जाएगा, यानी y की जगह पर 6 रखते हैं अगर हम लोग 7×6 = 42, अब +42 - 42 क्या होता है, एक्स का मान 0 हो जाएगा। अब चलिए जी, अब मान लेते हैं वाई की जगह पर 7 रख देते हैं, वाई की जगह पर 7 रख देते हैं, 7×7 = 49, 49 + 42 जाएगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए, ये समझ में आ रहा है, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। चलिए जी, 2 पे हम लोग का वैल्यू निकल जाता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग तीसरा भी ले लेते हैं, और मान लीजिए 8 रख देते हैं, वाई की जगह पर 8 रख देते हैं, 7×56, और 56 में से 42 जाता तो कितना बचता है, 14 बचता है। चलिए जी, ये समझ में आ गया, बस इतना, 3 पर्याप्त है। आप बहुत मन कर रहा है तो एक और निकाल सकते हैं। चलिए मान लेते हैं हम लोग वाई की जगह पर 12 रख देते हैं, वाई की जगह पर 12 रख देते हैं, 12×7 = 84, 84 में से 42 जाता है, 42 आता है। चलिए, ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन देखेंगे तो हमारा था क्या था,
एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, ये दूसरा इक्वेशन था तो हमने उसको लिख लिया यहाँ पे एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स। अब जानते हैं इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस थ्री वाई को उधर भेज देंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू सिक्स प्लस थ्री वाई। चलिए ऐसे डब्बा बना लेंगे एक्स और वाई का। अब देखिए अब क्या कहा जा रहा, अब हम लोग क्या मान रखें तो इसका वैल्यू बदलेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग वाई के जगह पर जीरो रख देते हैं, वाई के जगह पर जीरो रखते हैं तो जीरो इंटू थ्री जीरो और एक्स का मान क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा। चलिए ये समझ में आ रहा है। और अगला पॉइंट देखेंगे, अब मान लेते हैं वाई की जगह पर टू रख देते हैं, तो वाई की जगह पर टू रखेंगे तो तीन दुना छः, छः छः बारह, यानी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा बारह आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नाइन्थ क्लास में हमने लगाया होगा, नहीं लगाया होगा तो इस समय तो कम से कम सीख लीजिए। वाई की जगह पर अगर हम लोग क्या रखते हैं चार रख देते हैं, मान लीजिए फोर रख देते हैं तो चार थे बारह और बारह छः अट्ठारह हो जाएगा। फिर ये तीन पर्याप्त है, लेकिन आप चाहें तो बहुत मन कर रहे तो चौथा निकाल सकते हैं। मान लीजिए वाई की जगह बारह रख देते हैं, बारह तेरह छत्तीस और बारह तेरह छत्तीस और छः बयालीस, यानी 42 ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यह हो जाएगा 12 इंटू थ्री 36 प्लस सिक्स क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो यह आई होप दैट आपने इसको समझा होगा कि कैसे मैंने इसके वैल्यू को निकाला था। चलिए जी अब इसी मान को क्या करते हैं, ग्राफ पे दिखाते हैं। ये अलजेब्रिकली सॉल्व हो चुका है, यानी बीजगणित रूप से ये सॉल्व हमने कर दिया। अब इसको क्या है ग्राफिकली दिखाना है, ग्राफ के ऊपर दिखाना है। तो ग्राफ के ऊपर दिखाने के लिए क्या करेंगे आप, एक अच्छा सा या बुरा सा कैसे भी होगा, या तो आप ग्राफ कॉपी ले लेंगे, नहीं तो आप अपने कॉपी में ही इस तरीके से बना लेंगे, क्या 5, 10, 15, 20 ऐसे करके कुछ मार्क कर लेंगे। तो देखिए जी ऐसे जब मार्क करेंगे तो पहला क्या आ रहा है, पहला देखिए पहले के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो पहला क्या है जीरो और सिक्स है। तो जानते हैं एक्स जीरो है, वाई क्या है सिक्स है, तो एक्स जीरो है मतलब क्या, एक्स हम लोग का ये जो एक्स है यह इसी पर है, मतलब इधर उधर नहीं जाएगा, ये इसी पर आएगा। तो ये जान रहे हैं कि भैया क्या है एक्स जीरो है और यह वाई क्या है सिक्स है। तो जानते हैं एक्स एक्सिस इसको कहते हैं एक्स अच्छे कहते हैं, इसको वाई एक्सिस वाई अच्छे कहते हैं। जानते हैं यह कहाँ मिलेगा, यह निश्चित रूप से मैं पॉइंट बना रहा हूँ, देखिए फाइव को थोड़ा सा ऊपर बनेगा, जगह कम लगे इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख लिया है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा पहला जीरो सिक्स हम लोग को मिल जाएगा, ये जानते हैं ये पहला हम लोग का बन गया। दूसरा सेवन सेवन, सेवन सेवन यानी एक्स भी सेवन वाई भी सेवन, तो एक्स सेवन यानी निश्चित रूप से हम लोग का जो सेवन होगा वो यहाँ पे मिलेगा एक्स पे, और वाई भी सेवन है यानी फाइव के जस्ट ऊपर ही होगा, वाई सेवन एक्स सेवन तो निश्चित रूप से यहाँ पे होगा। चलिए मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ ए, और ये जो बन रहा है सेवन सेवन इसको दे नाम दे देता हूँ सेवन, और सेवन को बी नाम दे देता हूँ, ठीक है ताकि आसानी होगा। तो बी हो गया, फिर क्या है जी 14 और 8 यानी एक्स एक्सिस क्या है 14 है, वाई एक्सिस क्या है 8 है 8 है। तो देखिए एक्स एस क्या है 14, तो यानी निश्चित रूप से इसकी बात करिए इसकी सुधाई में लेंगे, और ये कितना जा रहा है 8 जा रहा है, यानी इसकी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, इसके क्या है थोड़ा सा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स 14 ये हो जाएगा 8, ठीक है। यानी ये हो गया हम लोग का तीसरा पॉइंट सी हो गया। अब देखिए आगे देखेंगे एक्स 42 वाई 12, एक्स 42 वाई 12 तो फिलहाल छोड़ देते हैं उसको, तीन बहुत होता है जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट देखिए यह एक्स छः वाई जीरो, एक्स क्या है 6 है वाई 0 है, तो एक्स देखिए 6 है, तो एक्स है 6 तो हम लोग जानते हैं यहीं पे होगा 5 के आगे, और वाई क्या है 0 यानी वाई ऊपर कहीं जाएगा नहीं नीचे भी नहीं जाएगा, जानते हैं एक्स 6 वाई 0 यानी 6 और 0, ठीक है ये समझ में आ रहा है। यह हम लोगों ने इसको दिखाया है एक्स 6 वाई 0, एक्स 6 वाई 0 क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग को अगला पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है आगे देखते हैं एक्स बारह वाई टू, एक्स बारह वाई टू दूसरे इक्वेशन के लिए हम बना रहे हैं। अच्छा ये जो इक्वेशन बनाए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग एक स्केल लेंगे और स्केल लेके उसका नाम भी हम लोग दे देंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे ये जो पहला पॉइंट बनाया था इसको हम लोग एक स्केल से क्या करेंगे स्केल से बनाएंगे। और ये किसके लिए बनाया था, ये हमने बनाया था एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस 42 के लिए, एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस 42 के लिए हमने इसको बनाया था। यह इक्वेशन का नाम दे देंगे भैया, लाइन का नाम दे देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए जी आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या 12 और 2 बता रहा है, 12 और 2 यह हम लोग बना रहे थे 12 और 2, तो एक्स 12 है वाई क्या है 2 है, एक्स क्या है 12 है, तो जानते हैं 10 क्या है 11 12 होता है, यहीं पर कहीं मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास ग्राफ तो है नहीं इसलिए इसको मान लेते हैं, और वाई क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो जानते हैं 1 2 ऐसे कहीं आसपास होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग कोई मान लेते हैं क्या 12 और 2, 12 और 2 इसका भी नाम दे सकते हैं, इसको नाम डी दे सकते हैं, इसको ई दे सकते हैं, आपके ऊपर कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड भी दे सकते हैं ये कोई दिक्कत नहीं,
एक्स फिर देखेंगे 18, वाई क्या है 14, तो एक्स 18 15 के आगे 16 17 18 इधर होता है, और फिर क्या है वाई 4 है, मतलब इस 5 के थोड़ा सा नीचे है, तो यह हम लोग मान लेते हैं 18 और 4 क्या है 18 और 4 ठीक है। आगे भी है 42 12, इतना दूर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग उतना दूर बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ पे समझ में आ गया, तो यह इस पॉइंट को भी मिलाएंगे, इस पॉइंट को भी मिलाएंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पॉइंट को मिलाएंगे, तो इस पॉइंट को मिला देंगे तो क्या है आगे चला जाएगा, आगे तक जाके यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा, ये दोनों ग्राफ मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से इसका इसका भी नाम दे देंगे, इसका नाम क्या था, इसका नाम था जो नाम था वो नाम जो नाम था वही ना देंगे, ये दूसरा नाम थोड़े देंगे, x माइनस 3y = 6, यानी इस लाइन का नाम देंगे x माइनस 3y = 6। अब देखेंगे ये जो अंत में जो मिलेगा, जो पॉइंट मिलेगा, वही देखेंगे दोनों में कामन है, दोनों में क्या कामन है, इसका भी देखिए, इसका भी 42 12 कामन है, इसका भी 42 12 कामन है। निश्चित रूप से जिस पॉइंट में मिलेंगे ना, वो पॉइंट जानते हैं क्या होगा, वो पॉइंट 42 12 होगा, और 42 12 क्या है इसका 42 और 12 क्या है इसका सॉल्यूशन है, यानी इस पूरे प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, 42 और 12 सॉल्यूशन है, यानी बाप को उम्र क्या है इस समय 42 साल का है, बेटी को उम्र क्या है 12 साल का है, तभी तो देखिए 3 साल बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा, बाप का 42 3 45 और बेटी की उम्र 12 3 15, तभी तो ये 3 गुना होगा, और 7 साल पहले, 7 साल पहले मतलब 42 में 7 घटाएंगे क्या 35 होता है, और 12 में 7 घटाएंगे तो क्या होगा 5 होता है, तो 35 और 7 का समझ में आ रहा है ना, 5 7 35 7 गुना, तो यह हम लोग का प्रॉब्लम अलजेब्रिकली ग्राफिकली सॉल्व होगा, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, ग्राफ बना देना है अच्छे से। सो आई होप आपको समझ में आएगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। टाटा टेक केयर, सबक है, गुड बाय।